हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंशु एंड सिटी व्लॉग। और मैं आप मेरे को ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अभी ना मैं क्रंच करके आती हूँ, थोड़ा थोड़ा लग भी रहा है। तो ना वो बात ये है फ्रेंड कि मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि मतलब मैं जैसे वीडियो में मतलब बहुत अच्छे से बात करती हूँ, वैसे मैं रियल में अच्छे से बात नहीं करती हूँ। तो मैं उसका आंसर देना चाहूँगी। अच्छे से बात करना ना करना सामने की टोन के ऊपर होता है ना, सामने वाले की टोन के ऊपर होता है। जिस तरीके से मुझे सामने से टोन आती है, मैं उस तरीके से बात करती हूँ। और फिर मेरा ना काम फ्रेंड एक ये नहीं है कि दिन भर में 10-50 भी आ जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं दिन भर में हज़ारों लोगों को डील करती हूँ, लेकिन ऑर्डर इतने नहीं होते फ्रेंड, सच बोल रही हूँ मैं, इतने नहीं होते ऑर्डर। लेकिन उन लोगों में से कुछ तो बहुत ही अच्छे से नेचर वाइज होते हैं और इतना अरे हाय साईं बाबा जी कि दिल से निकलता है कि यार ऐसे बंदे अच्छे लगते हैं। और कुछ इतनी बैड मैनर्स से बात करते हैं, तो उस जैसा मतलब मेरा ये हिसाब है, जैसा टोन वैसी बात है। ठीक है, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि फ्रेंड ये हो गया वो हो गया वो हो गया, मैं ऐसे नहीं कर पाती। मेरा हमेशा से रहा है कि अगर किसी को कोई मेरे से रूड है तो मैं उसके साथ रूड हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला था मैं बहुत मतलब अच्छों के लिए अच्छी हूँ और बुरों के लिए बुरी हूँ। मैं सीधी नहीं हूँ, सीधे जो मतलब अपने आप को कहते हैं ना कि मैं बहुत सीधी हूँ, मेरे घर में भी सब सीधे हैं, मैं भी बहुत सीधी, मैं बहुत पोटली हूँ, ये हूँ पोटली हूँ के डमेरा हूँ के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, सबको सबके अंदर गुस्सा होता है, लेकिन एक ये होता है कि एक मतलब अपना एक अलग ही रूप दिखाने में बिलीव रखते हैं। और एक होते हैं कि जैसा हम हैं वैसा हम सामने से दिखाएं। मैं जैसी हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्से का रिप्लाई भी करती हूँ अच्छे से। और मुझे ऐसा नहीं है कि गाली देनी नहीं आती, मैं गाली भी देती हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ देती हूँ। और पहले मुझे आती नहीं थी, मैंने गालियाँ सीखी हैं, क्योंकि सामने वाला अगर हमें गंदा बोल रहा है ना तो उसको उस तरीके से रिप्लाई करना पड़ता है। फ्रेंड जब से मैं ये सेलिंग लाइन में घुसी हूँ ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लोगों की पहचान होने लगी कि कौन कैसा है कौन कैसा है। हाँ, तो इस वजह से मुझे सब पता चलता है। मेरे को मतलब पहले से मैं किसी भी कस्टमर से बदतमीजी करना चाहती नहीं हूँ। अगर मेरे से कोई करता है तो मैं उसे छोड़ती भी नहीं हूँ। मैं नहीं सोचती फिर कि मेरा सेल मतलब ये मेरा कस्टमर है, कस्टमर होगा तो अपने लिए होगा अगर अच्छे से रहेगा तो। अगर कस्टमर के तरीके से तुझे तमीज ही नहीं है बोलने की, तो तू इस मेरे लिए तो महाबदतमीज है। तो एक बेवकूफ ने आज मैसेज किया था, मतलब उल्टा सीधा बोल रही होगी कुछ कमेंट में आके, तो एक ने उससे बोला कि तुम ये क्या बदतमीजी कर रही हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने। तो कहती है मैंने इनको मैसेज किया था, इन्होंने मेरी मैसेज का बहुत बैड मैनर्स से रिप्लाई दिया। बैड मैनर्स से मैंने तभी रिप्लाई दिया होगा जब मुझे सामने से मिला होगा। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे अपना कस्टमर खराब नहीं करना। ठीक है, तो अभी भी मेरे कस्टमर के कॉल चल रहे हैं, तो मुझे अपना कस्टमर खराब नहीं करना फ्रेंड। जितना कस्टमर आए इंसान को उतनी ही खुशी होती है, तो मुझे कस्टमर खराब करने में क्या मजा आएगा। लेकिन सामने वाला जैसा टोन में बात करेगा उससे उस टोन में आपको तमीज होनी चाहिए बात करने की। आप ऐसे सेलिंग करोगे, अबे तो तुम कैसे डील करोगे, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम एक कस्टमर बन के आए हो, तो थोड़ा तमीज से बात करो। तुम मुझसे खरीदने आए हो, ठीक है ना, मतलब ना ही मैं तुम्हें फ्री में देने वाली और ना ही तुम मुझसे फ्री में लोगे। तो इस तरीके से मतलब तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो कि अरे मेरे पे लेकर तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो। कोई किसी पे एहसान नहीं करता। अगर प्रोडक्ट अच्छा लगेगा और अच्छा होगा तो आप 10 बार ही आओगे। अगर मेरा प्रोडक्ट आपको पसंद ही नहीं आएगा तो आप मेरे को दोबारा मुड़ के नहीं देखोगे और ब्लॉक करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, फालतू की बकवासबाजी है ना मेरे चैनल पे आके बोलना कि मतलब वैसे तो इतनी मीठी होती है ये चैनल पे, इतनी मीठे से बात करती है और नॉर्मल ऐसी नहीं है। तो मैं हाँ मैं बोलती हूँ मैं चैनल पे मीठे बन में बात इसलिए करनी पड़ती है फ्रेंड, मैं बहुत फ्रेश माइंड में जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, मैं बहुत फ्रेश माइंड में बैठती हूँ, क्योंकि उस समय मेरा फ्रेश माइंड इसलिए होता है क्योंकि हम उस समय अपने मन की चीज़ खा रहे होते हैं। बहुत ही मजे आता है इसको खाने में सभी को। ठीक है, तो जब हम वो खा रहे होते हैं तो फ्रेश माइंड अपने आप ही होता है, जितना जितना खाते जाएंगे उतना ही रिलैक्स होते जाते हैं। हम रिलैक्स होते हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मल बात है कि हमारा स्वभाव भी उसी तरीके से हो जाता है रिलैक्स, एकदम कूल।
तो उस तरीके से मैं मीठी बनती हूँ, मीठे से बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ। और जब मैं मेरे पास कोई कस्टमर आता है और मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, अच्छे से बात करता है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। यार क्या इंसान है, मतलब सारा जो गुस्सा होता है ना वो एक पल में, चुटकियों में दूर कर देता है। और कोई कोई ऐसा आता है कि मतलब जितनों से भी अच्छे लोगों से बात करी होती है ना, तो वो सारा उस गुस्से में बदलवा देता है। तो ये इंसान के हाथ में है कि तुम्हें किस तरीके की इज्जत और तमीज चाहिए। ठीक है, मेरे पास ना तो बदतमीजी करो और ना सुनो। एक आई थी बेवकूफ गधी कहीं की, बोलती है कि 150 का कुछ मिलता है तो दे दो। मैंने कहा सिस्टर 150 का कुछ नहीं आता। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो तुमको ब्रोकन मिल जाएगा 150 का, तो कहती है कि 100 रुपये का दे दो मुझे। तो मैंने कहा अब तो 100 रुपये का तो कुछ नहीं आता। ठीक है, तो फिर बोलती है मेरे को कि अरे तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं ना राहुल गांधी के घर से हूँ। तो तू राहुल गांधी के घर से, भाई मेरे को क्यों सुना रही है? राहुल गांधी तेरे लिए होगा है, और राहुल गांधी के घर से तू है तो इतनी टुच्ची मतलब लेकर आई है कि मुझे 150 का दे दो, मुझे 100 का दे दो। राहुल गांधी तो भाई बहुत अच्छे खासे, मैंने सुना है कि बहुत अच्छी फैमिली से है, बहुत अच्छे हैं उन्होंने अपना मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलूं फ्रेंड ऐसे लोगों की, मैं इतनी शॉक्ड होती हूँ। नए नए लोग आते हैं, नए नए, और इतनी मतलब मेरे साथ ना इतनी कॉमेडियाँ होती हैं मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सारे लड़के भी आते हैं, लेकिन लड़के सच बता रही हूँ फ्रेंड, लड़के जो बॉयज़ वगैरह आते हैं वो बदतमीजी नहीं करते। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि लड़के होकर बदतमीजी नहीं करते, और लेडीज़ होकर लेडीज़ को इतना गंदा बोल सकती हैं ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज मेरे सामने जब आ रहा है ना, तब कहते हैं ना जो मैंने शुरू से सुनी थी ये चीज़ कि लड़की ही लड़की को काटती है, लेडीज ही लेडीज को काटती है, और वुमेन ही वुमेन को काटती है, ये सब मैंने बडिंग बहुत पहले से सुनती आ रही थी। लेकिन आज जब मैं इस बिजनेस में पड़ गई हूँ ना, आज मुझे महसूस होने लगा है कि ये बात झूठ नहीं है। तो मैं जब ये बातें स्वीटी को बताती तो स्वीटी मेरे को बोलते हैं, मतलब मैं बोलती हूँ उनको कि स्वीटी ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो स्वीटी ये बोलते हैं कि देखो जब हम कुछ करने बैठते हैं ना तो 4 लोग ना हमारी टांग पीछे खींचने को रहते हैं, और ये उनमें से एक हैं, तो इनको इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान दो। कभी कभी मैं बहुत फ्रेंड आपको बता नहीं सकती, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ कि सब खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। फिर मेरा एक दिल करता है यार ऐसी बदतमीज़ों को, जो मतलब खानदानी बदतमीज होते हैं ना, जिनके खानदान में ही यही शिक्षा दी जाती है, तो वो उसी तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसी तरीके का मतलब अपना वो दिखाते हैं फेस कि हाँ हम कैसे हैं। तो इनको इग्नोर करना ही बहुत बेस्ट रहता है, एक लिमिट तक इग्नोर करना चाहिए। मैं सभी को बोल रही हूँ एक लिमिट तक इग्नोर करना चाहिए, जब लिमिट क्रॉस होती है ना तो ऐसी तैसी करके रख देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, राहुल गांधी के घर से है ना, तो देखती तो है तू मेरी वीडियो, तूने खुद बोला था, तो कर लिए जो करना। और मुझसे कह रही मैंने गुस्से में, अगर देखो फ्रेंड गुस्सा आता तो इंसान कह ही देता है, मैंने बोल दिया कि मैंने कि देख तू मुझे ज़्यादा परेशान ना कर, मैं तेरा नंबर यूट्यूब पर डाल दूंगी। अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी होता तो मैं बहुत पहले ही नंबर डाल चुकी होती। बंदी ने मुझे शाम को 4-5 बजे कॉल किया कल, और मेरे को बोलती है कि अरे तुमने मेरा नंबर नहीं डाला यूट्यूब पर। तो मैंने की कौन कि अरे तुमने तो बोला था कि मेरा नंबर डालोगी यूट्यूब पर, नंबर नहीं डाला। मैंने की यार क्या बंदी है, अगर गुस्से में इंसान ने तुझको बोल दिया कि नंबर डाल दूंगी तेरे यूट्यूब पर, तुझे तो और डरना चाहिए कि यार मेरा नंबर नहीं चला जाए। तो बंदी खुश होकर यूं और कह रही है अरे डालना चाहिए था ना, मैं तो ये इंतजार कर रही थी कि कब डालेगी तू। मैं इतनी शॉक्ड, मैंने की यार कितने बेशरम लोग है दुनिया में, हाँ ऐसे घरेलू बेशरम लोगों ने ही लोगों का जिंदगी हराम कर रखी है, सच बता रही हूँ। और इतना कॉल करेगी जितना मतलब कहोगे ना कि भाई कॉल मत कर, मत परेशान कर, उतनी ही ज़्यादा आकर परेशान करती है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, और बहुत सारे कॉमेडी लोग भी आते हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी कभी। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं जो मतलब इतना हंसा के चले जाते हैं, मैं फिर जिस स्वीटी को बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी तो बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी तो मेरी मम्मी के सामने भी लड़ाई हो रही होती है, तो मम्मी मेरे पे गुस्सा करते हैं कि तू क्यों ऐसा कोई मुंह लगती है, इनके तो मतलब मुंह उठाया और आ गई और भौंकने लगी, हाँ इनके पास कोई काम तो है नहीं, तो तू अपना काम कर रही है, तू अपना काम कर, ऐसे लोगों को इग्नोर कर। अगर इतने में तू 10 से 5 मिनट 15 मिनट खराब करेगी किसी ऐसी बदतमीज पर, उससे ज़्यादा तो तू किसी और कस्टमर से डील ले लेगी अपनी, हाँ डील कर लेगी और अपना पार्सल बुक कर लेगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है मम्मी की, मम्मी बोलते हैं कि ऐसे लोगों को जितना हो सके इग्नोर कर,
और कस्टमरों पे ध्यान दे। तो मुझे, मैं ना इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ फ्रेंड, बस यही था। और इस पर मेरा एक और बात बता दूँ आपको, बहुत अच्छी है, इस पर मेरा वॉच टाइम तो कम्प्लीट हो गया, कब का ठीक है। अब ये 1000 होने वाला है, फिर मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, है ना। मैं बहुत खुश हूँ इस चैनल के लिए। और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी से ग्रोथ इतना अच्छा पकड़ेगा, इतने अच्छे व्यूज आएंगे, इतना अच्छा, मतलब कि आपको वीडियोस पसंद आएंगी, मेरी बकबकबाजी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बट थैंक यू सो मच। इस वाली वीडियो पर भी देखना, दो चार गधी आएंगी, पक्कर जाएंगी, चिंता ना करो। अंशु ना इतनी भोली नहीं है कि किसी का सुनकर बैठ जाएगी, ऐसी तैसी मारने पर रहते हैं हम इतने सीधे नहीं हैं जो किसी की खाकर बैठ जाएं। दो खिलाओगे ना तो चार खाकर जाओगे, इसलिए इज्जत से। अगर मैं तो ये कह रही हूँ तुमको आने की जरूरत ही नहीं है, अगर आ रहे हो तो तमीज से आओ, वीडियो देखनी है देखो, नहीं देखनी तो मत देखो। नेट तुम्हारा, चॉइस तुम्हारी, ठीक है, कमेंट तुम्हारी, जैसी कमेंट होगी वैसा रिप्लाई होगा, तो सोच समझ के कमेंट करना। वो तो मुझे मालूम है कि कुछ खानदानी बेशरम होते हैं जो खानदान में ये चीज़ सिखा कर बोला जाता है कि बेटा है नहीं, कोई अगर आगे बढ़ा हो ना तो उसको आगे मत बढ़ने दो, जैसे तुम हो ना अपनी औकात पे, उसको औकात पे लाओ। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसा नहीं होता। अगर कोई आगे बढ़ा होता ना तो उसको और समझाया जाता है कि यार ऐसे नहीं, इस तरीके से चलेगी तो और ज़्यादा आगे जाएगी। और वो हमारी मम्मी के अंदर है, हमारी मम्मी बोलती हैं कि अगर तू इनके मुंह लगेगी तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगी, इनको इग्नोर करके तू अपने काम पर ध्यान दे तो और आगे जाएगी। ये होती है घर वालों की सोच। और जो तुम जैसे घर वालों की सोच है ना, वो ये होती है कि नहीं नहीं तू तो आगे बढ़ नहीं पाई, दूसरे को भी मत बढ़ने दियो। तो ये तुम जैसे घर वालों की सोच है, इसीलिए आके बदतमीजी करते हो, और कुछ नहीं है। और मुझे क्या बोलना था, हाँ मेरा गला अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिंदास हूँ, सर्दी भी ठीक, बुखार भी ठीक, दर्द भी ठीक। और जो यहाँ पर बहुत बड़ा वाला पत्थर रखा था ना साईं बाबा जी, सबसे ज़्यादा उससे मैं परेशान थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी दो तीन सब्सक्राइबर्स मेरी बहुत चिंता करती हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरी चिंता करते हो, मेरे लिए केयर दिखाते हो कि आप ठीक हो जाओ, इतना स्वेलो क्यों मार रहे हो ये वो। और हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगी, टाइम होने वाला है, ओ माई गॉड। और मेरे अंदर ना, मतलब मैं बहुत दिन से एक चीज़ और सोच रही थी फ्रेंड, आपको बताती हूँ कि ना, चलो फिर बताऊंगी, कभी छोड़ो उस वाली बात को। तो बस यही सब था फ्रेंड। और है नहीं है, मतलब मैं किसी से भी बदतमीजी कभी नहीं करती, आप विश्वास नहीं मानोगे फ्रेंड, मैं कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती पहले से। अगर मेरे को कोई सामने से नहीं देता बदतमीजी, अगर सामने से तुम बदतमीजी कर रहे हो तो अगर तुम बदतमीजी कर रहे हो ना तो फिर सामने से बदतमीजी लेने की भी सोचो कि सामने वाला कैसे बोल सकता है। मैं चाहती तो 1000 लोगों का नंबर डाल चुकी होती अभी तक यूट्यूब पर, और बहुत लोगों ने डाले भी हैं, आपको पता ही है। लेकिन मेरे अंदर ये नेचर नहीं है, मैं ये सोचती हूँ यार नेक गुस्से में किसी का नंबर अपना चैनल पर डाल दो, नंबर वायरल कर दो, ये अच्छा नहीं है, है ना। नेक गुस्से के पीछे किसी का नंबर चला जाएगा और उसको प्रॉब्लम हो, क्या फ़ायदा है। लेकिन वो कोई बंदा आपसे सामने से आके कह रहा है कि मेरा नंबर डाल, नहीं नंबर डाल तू मेरा नंबर डाल, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताओ क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का, आप सोच सकते हो। मैं दिन भर में इतने लोगों को डील करती हूँ, ऊपर से मेरी छोटी सी बेबी, मुझे अपना बच्चा भी देखना पड़ता है। दक्ष समझदार है, मैं फिर कहती हूँ दक्ष का इतना नहीं है, इतने बड़े बड़े बच्चों को लेकर लोग रोते रहते हैं, अरे मुझे बच्चे संभालने पड़ते हैं। यार इतना बड़ा बच्चा खूब समझदार होता है, सब कुछ कर लेता है। तो ये मुझे नहीं, इतना नहीं कहना आता, दक्ष की मैं नहीं कहती कि दक्ष को संभालना पड़ता है, अक्षु को संभालना पड़ता है, ठीक है। मैंने चैनलों पर सुना है कि अरे बच्चे हैं, बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चों को ये करना पड़ता है। इतना बड़ा बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है अपनी, खाने पीने की, नहाने की, है ना, कपड़े चेंज करने की स्कूल से, तो ये सब बच्चा कर लेता है, खाना सब कुछ मतलब कर लेता है। तो इस चीज़ की मैं नहीं कह रही, दिन उसका यही ड्रामा है। फिर ऊपर से ऑर्डर्स लेना, इधर बच्चे को भी संभालना, इधर ऑर्डर्स भी लगाना, ठीक है, और इधर घर का काम भी है, और ऊपर से अपनी पैकिंग स्टिचिंग, बहुत काम है फ्रेंड, सच बता रही हूँ। इतना सूटों की धामिन थी मैं, पागलों की तरह सूटों के पीछे रहती थी। आज मैंने सूट, जब से मैंने ये सेलिंग स्टार्ट किया ना, तब से मैंने सूट सिलना बंद कर दिए,
क्यों बंद कर दी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। और फिर मैं ऐसे लोग मेरे से आके जूझते हैं, बदतमीजी करते, तो फिर मैं क्या करूँ, बदतमीजी नहीं करूँ। और चलो छोड़ो, व्हाट्सएप पे आएंगे वहां बदतमीजी करेंगे, कॉलिंग पे आएंगे वहां बदतमीजी करेंगे, फिर चैनल पे आके बदतमीजी करते हैं और फिर कहते हैं अरे ये ना जितनी दिखती है ना उतना है नहीं, बहुत बदतमीज है। तो यार बदतमीजी किसे काम मत करो ना, नहीं बोलेंगे हम तुमको, है ना। तो बस मेरा यही है, जूते खाने का शौक है, तो तैयार रहो मैं खिलाऊंगी। ओके फ्रेंड, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके बाय।